पांच राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सबकी निगाहें लग गई हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर। बीजेपी का अपना 3 तारीख को जब ये परिणाम आया, इसके बाद आप देखेंगे तो एक हफ्ते तो लग गया मुख्यमंत्री का चयन होने में, फिर मीटिंग, फिर उनकी शपथ, फिर अब जो जिस तरह से बीजेपी की सरकारें जब बनती हैं तो किस तरह से काम करती हैं। कुल मिला के ये है कि मीडिया के लिए लगातार ये पूरा महीना फिक्स हो गया है कि कौन सी आज आज सीएम ने शपथ ली है, उनका मास्टर स्ट्रोक कौन सा उन्होंने ले लिया है और इसके बाद वो क्या क्या करेंगे। तो तीनों राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को शानदार जीत मिली, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तो ये सब सारी चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच में आज विपक्ष ने भी, खासतौर पर कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष उन्होंने बनाया है और छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने यही किया है। कुल मिला के तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे बड़ा जो यहाँ पर अगर बीजेपी की राज्य में सरकार के बाद विपक्ष की भूमिका अगर दिखती है वोट परसेंट के रूप में तो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी। लेकिन उनकी तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो मीटिंगों में जाते हैं, मतलब जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होती है वहां जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुहिम नहीं चलाया जा रहा है। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया कि राजस्थान में वे 500 का सिलेंडर देंगे, छत्तीसगढ़ में 500 का सिलेंडर देंगे, मध्य प्रदेश में 500 का सिलेंडर देंगे, किसानों को कर्ज माफी करेंगे और सब दुनिया भर के वादे इरादे जो भी उनके मैनिफेस्टो में था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपनी राय राय रखते हैं, समझते हैं चीजों को, वो कह रहे थे अखिलेश यादव इस पूरे इश्यूज को भुना नहीं पाए। अगर वो इतने बड़े सपा का जो जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वो मतलब गांव से लेकर बड़े शहरों तक है, एक अच्छा उनका बेस है, स्ट्रांग है, लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन सब कोई शांत बैठा हुआ है। वो चाहते इस मुद्दे को उठा सकते थे। तो इसी पर बात करेंगे, समाजवादी पार्टी को लेकर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश को लेकर बात करेंगे, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हाल ही में अभी टाइम्स नाउ और एक ईटीजी, एक सर्वे कंपनी है, उन दोनों लोगों ने मिलकर एक सर्वे किया था जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें वो बीजेपी को दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में। पिछली बार जितनी आई थी उससे भी ज्यादा सीटें इस बार मिल रही हैं। तो ऐसे में विपक्ष क्या कर रहा है यहाँ पर, इन सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, पहला सवाल यही है आपसे कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? नमस्कार शैलेन जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी, देखिए, आपने ये सवाल किया कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी, मुझे जो लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीतियों के अनुसार आगे बढ़ रही होगी और बढ़ रही है, क्योंकि अगर दिखने की बात है तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सरकारी सिस्टम है, जो उनका पैसा है, जो उनका मीडिया मैनेजमेंट है, वो किसी अन्य पार्टी के कार्यक्रम को, अन्य पार्टी की रणनीति को इसलिए भी नहीं दिखाना चाहेगा। अगर वो दिखना भी चाहे, पार्टी का व्यक्ति, कोई अदर पार्टी, मतलब सिर्फ बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, जो भी है, अदर देन कोई भी, उसको दिखना भी नहीं है, वो लाख कोशिश कर ले। तो ऐसे में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि चुपके से और शांतिपूर्वक अपनी रणनीतियों को अमला जामा देना, अमली जामा पहनाना, जिससे आगे लोकसभा के चुनाव में उनसे मुकाबला कर सके। हाँ, आपकी बात से मैं ये जरूर सहमत हूँ जो आपने कहा कि तमाम बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुद्दों को भुना नहीं पा रही। तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी, लेकिन क्या देश के मीडिया ने उस चीज को दिखाया? अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला चल रहा है, जिसमें आरक्षण की चोरी की गई है, आरक्षण का घोटाला किया गया है। उस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने छात्रों के साथ खुद मिले, उनका डेलीगेशन गया, उनके तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता गए। तो क्या इस मुद्दे को जनता ने देखा?
बल्कि जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, ये छोटे छोटे चैनल्स हैं, उन लोगों ने दिखाया, मेन स्ट्रीम की मीडिया ने इस सब तो दिखाया नहीं कि 68,000 के 69,000 के शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के छात्र हैं, जिनके अधिकारों को छीन करके योगी सरकार ने सवर्णों को दे दिया है, जिस पर कोर्ट ने भी कहा कि गलत हुआ है, लेकिन कोर्ट और सरकार ने मिलकर के इस लड़ाई को, इस मुहिम को, कि उनके आरक्षण को चोरी कर करके अपने लोगों को लाभ पहुंचा देना, और उस मुद्दे को लेकर के लड़के जो छात्र हैं उस वैकेंसी के, वो वहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। क्या आपने देखा कहीं किसी मेन स्ट्रीम की मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया ना। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तमाम पार्टी के नेता, तमाम लोग वहां पहुंचे, लेकिन किसी मीडिया ने दिखाया नहीं। तो उसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी गैस को लेकर के, तेल को लेकर के, महंगाई को लेकर के आवाज तो उठा रही है, लेकिन वो आवाज बहुत दिखाई भी नहीं जा रही है। और अब रणनीति हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बदली है कि चीजें चुपचाप काम करो, चुनाव के वक्त उन्हें हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, इस पर रणनीति पर काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अभी आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की जितनी हैसियत है उतनी हम उनको सीटें देंगे। आपको लगता है कि मुझे याद आ रहा है कि साल 2019 में, साल 2009 में, माफ करिएगा, दिग्विजय सिंह यहाँ पे प्रभारी थे, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कांग्रेस ने कम वोट परसेंट उसको मिला, लेकिन सीटें उसको अच्छी खासी मिल गई थी। उस वक्त भी दिग्विजय सिंह ये इस प्रयास में थे कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए, और अगर वो गठबंधन हो जाता तो जाहिर सी बात है जिस तरह वोट परसेंट दोनों लोगों को मिला था, जो पूरा माहौल था, तो सबसे ज्यादा सीटें मतलब उनको मिल जाती। हो सकता है कि 65 से 70 के बीच में सीटें उनको मिलती, लेकिन समाजवादी पार्टी से वो गठबंधन हो नहीं पाया था। इस बार क्या लग रहा है आपको, अगर गठबंधन होता है तो एक एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को आप देख रहे हैं, कितनी सीटें देनी चाहिए मतलब समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को? देखिए, आपने जो बातें कही वो बात सच है कि हर पार्टी का, जो चाहे प्रभारी हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, हर पार्टी का व्यक्ति चाहता है कि जब गठबंधन हो तो हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और हमारे नेताओं को ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का मौका मिले। जब उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो उनके कार्यकर्ताओं की राजनीतिक इच्छा की पूर्ति होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हर पार्टी, हर नेता चाहता है कि हमारी सीटें गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करिए, और मूल्यांकन में अगर आपको जितनी सीटें आती उससे 1-2 सीटें ज्यादा मांगिए। तो मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम उसकी हैसियत, मतलब उनकी क्षमता के अनुसार उनको सीटें देंगे, ये एक अच्छा सकारात्मक कदम माना जाए। और मुझे लगता है, एक राजनीतिक तौर पर जो मेरा ज्ञान है, राजनीतिक तौर पर जो मेरा नॉलेज है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को 8 से 10 सीटें ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी उनकी यही वो है, उसमें भी कितनी जीतेंगे कितनी नहीं, लेकिन 8 से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। अब गठबंधन में कितनी मिलती है, कितना नहीं मिलता, कितना देना है, ये तो भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है, और तय भी इसलिए उनको करना है कि वो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी यूपी की समाजवादी पार्टी है। तो जो बड़ा होता है, जिसकी जिसके ज्यादा लोग होते हैं, जिसकी पकड़ ज्यादा जमीन पे होती है, जिस पे जनता पे जिसका एक प्रभाव होता है, उसे सीटों का बंटवारा करने का अधिकार होना चाहिए, अगर गठबंधन हो रहा है नेचुरली। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करे, उनकी हैसियत है, उनकी क्षमता के अनुसार हम उनको सीटें देंगे। तो इसमें सारे लोगों को, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे मतलब दोनों पार्टी, जो भी पार्टियां उसमें संबंधित है, या जो भी विश्लेषक है, उनको भी पॉजिटिव विचार रखना चाहिए कि हाँ भाई, उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार मिलेगी। मुझे लगता है कि एकदम साफ गोई से कहूंगा कि अभी भारत
कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ये क्षमता है कि वो 8 से 10 सीटें समाजवादी पार्टी से ले। अभी नीतीश कुमार की रैली होने वाली थी बनारस में, रोहनिया जो विधानसभा है, और एक तरह देखा जाए तो वो अपना दल का गढ़ है, क्योंकि वो शायद वहाँ पर जो कुर्मी बिरादरी है वहाँ वहाँ ठीक ठाक संख्या में है, खासकर उस पूरे बेल्ट में। नीतीश कुमार की वहाँ रैली थी, रैली होने वाली थी 24 तारीख को, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से इसको कैंसिल कर दी गई, क्योंकि जिस उस कॉलेज में यह रैली होने वाली थी उस पर दबाव आया तो उन्होंने इसको कैंसिल करा दिया। अब उनकी रैली प्रस्तावित है। लगातार पिछले हम 6-7 महीनों से इसको देख रहे हैं कि नीतीश यूपी आने को लेकर काफी चर्चा चल रही है। कभी चर्चा होती है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, कभी ये, और कभी चर्चा होती है वो अकबरपुर से चुनाव लड़ेंगे। अकबरपुर मतलब अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुर्मी बिरादरी के लोगों की संख्या वहाँ यहाँ ठीक ठाक है। एक आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 5 से 6% के आसपास लगभग संख्या आ जाती है। जनगणना नहीं हुई है, मीडिया में जो अलग अलग जो संगठनों के अलग अलग जातियों के जो आते हैं उसके अनुसार, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता है नीतीश कुमार, अगर यूपी वो आते हैं तो बीजेपी को बड़ा डेंट लगाएंगे वो? क्योंकि इस वक्त जो पूरा माहौल है आप देखेंगे, जिसमें कुर्मी बिरादरी जो है उसका अधिकतर वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, और जब वो वोट दे रहे हैं इसके बावजूद उनकी उनकी जाति के लोगों को, जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में उनकी संख्या ठीक ठाक है, राजस्थान में भी उनकी संख्या ठीक ठाक है, छत्तीसगढ़ में भी उनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन इसके बाद कोई सीएम डिप्टी सीएम उनके समाज का नहीं बनाया गया है। इन सब को लेकर आपको क्या लगता है, अगर नीतीश आएंगे इधर तो एक इंडिया गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश में गठबंधन को फायदा होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो एकदम स्पष्ट हो गई कि आपने कहा कि नीतीश की रैली होने वाली थी, शासन प्रशासन के दबाव में वो रैली नहीं होने की गई। आप किस आदमी पर दबाव डालते हैं जो आपको प्रभावित कर लेता है, जो आपको प्रभाव डालेगा, जो आपको प्रभाव आपके प्रभाव को खत्म करके अपना प्रभाव स्थापित करेगा, उसी से आप न डरते हैं? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी गवर्नमेंट, खास करके मोदी, नीतीश कुमार से डरते हैं। नीतीश कुमार एक पिछड़े वर्ग के और कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह डर है कि कुर्मी हमारे साथ वोट तो देता है, लेकिन जब हम हक हुकूक देने का बात आती है तो उनके लोगों को हम नहीं दे पाते। जैसे आप देखो एमपी में प्रहलाद पटेल को क्या हुआ, प्रहलाद पटेल को आगे किया गया लेकिन हटा दिया गया। यूपी में ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री है, केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री है, स्वतंत्र देव सिंह क्या थे, वो भी पटेल कुर्मी बिरादरी के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया, मंत्री बने हैं, लेकिन यहाँ मंत्रियों की क्या स्थिति है आप जानते हैं। विधानसभा में बाबा ने कहा कि लालीपॉप, तो मंत्रियों की स्थिति लालीपॉप वाली है। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार के पीछे उनके बिरादरी के लोग खड़े होंगे, पूरे कुर्मी जाति के लोगों को ये बात अच्छे से एहसास हो गई, भाई ठीक है 2-4 पोस्टें मिल गई हैं, लेकिन उनको एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी हमें मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहती, इसलिए वो बार बार हमको, तो वो जानती है जैसे ही ये बात नीतीश कुमार कहेंगे, देश के बड़े नेता हैं, उनकी बात उनके बिरादरी के लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगी, इसीलिए उनकी रैली नहीं होने देना चाहिए। भाई डर किस बात का है, जैसे सब लोग नेता रैली करते हैं वैसे वो भी करेंगे, और ये एक गलत परंपरा पड़ रही है। अगर इस परंपरा को जारी रखा गया तो हम तो हमें लगता है कल से नीतीश कुमार को भी कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ रैली नहीं कर पाएंगे, मोदी जी कैसे रैली कर पाएंगे भाई बिहार में? अगर नीतीश कुमार यूपी में रैली नहीं कर सकते तो मोदी जी बिहार में कैसे रैली कर पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी डर के मारे गलत परिपाटी डाल रही है, उस परिपाटी का नतीजा भी उसी को भोगना पड़ेगा। अभी कल जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खड़े हो जाए कि भाई बिहार में भी रैली नहीं कर पाओगे, जिस आधार पे आप उनकी रैली रोक रहे हो उसी आधार पे तो वो भी रोक सकते हैं। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार
कुर्मी जाति के बड़े नेता और ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, इसलिए इनसे वो डर रही है। और ये मुझे लगता है कि शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कंपेनिंग शुरू हुई वो भी नीतीश कुमार ही शुरू किए थे। आप देखिए दिल्ली गए, बिहार गए, यूपी आए, स्टालिन के यहाँ गए, पश्चिम बंगाल गए, सब जगह शुरुआत उन्होंने किया। इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी है। अगर नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा, नीतीश कुमार आगे आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी नो डाउट कि उनको रोकने का पूरा प्रयास करेगी, लेकिन वो अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यूपी बिहार में कर देंगे और एमपी में भी। एक मेरा आखिरी सवाल है कि आप जो जो अभी हालात हैं बीजेपी को लेकर, उसके पास आप देखिए पैसे से कोई कमी तो है नहीं, दुनिया भर के मंत्रालय हैं, सरकारें हैं, स्टेट में सरकारें हैं, सेंट्रल में सरकारें हैं, दुनिया भर का फंड है। विपक्ष के पास अभी अभी मैं आज शायद कांग्रेस की तरफ से आया हुआ है कि अब वो डोनेशन लेगी, घर घर जाकर डोनेशन लेगी। हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारी चीजें प्लान हो रही हों, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इसकी सियासत को अगर देखा जाए, यहाँ पर नीतीश भी आते हैं, सपा है, कांग्रेस है, और तो किस चीज की कमी आपको लग रहा है कि होगी, वो बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे ये तमाम लोग जो आएंगे? क्योंकि उसका जो जब जब ये सवाल होता है कि भाई मोदी के बाद कौन, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जब, तो एक 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 नया तरीके से लोगों को दिमाग में डाला गया है कि जब भी इस तरह के सवाल होगा, हाँ भाई बेरोजगारी कम, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सवाल ये आता है कि मोदी के बाद कौन, मोदी नहीं तो कौन, इस तरह की चीजें मतलब मीडिया में एक तरीके से गढ़ी जा रही है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है विपक्ष इसकी तैयारी क्यों नहीं कर पा रहा है? मोदी के बाद कौन, मोदी नहीं तो कौन? देश, मोदी के बाद देश, मोदी के पहले भी देश, देश के लोग ही मोदी को बनाए, देश के लोग ही मोदी को हटाएंगे। और जो आपने कहा संसाधनों की कमी, ये सच है कि विपक्ष के पास संसाधन जरूर कम है, लेकिन जब जनता मूड बना लेगी तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। हाँ, विपक्ष एक चीज में उससे भारतीय जनता पार्टी से पीछे हो जाएगा, जो भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में चुनाव आयोग जो काम करता है, चुनाव आयोग की तमाम शिकायतें होती हैं, यहाँ ये हुआ वहां हुआ, चार दिन पहले चुनाव के चार दिन पहले कोई ग्रांट जारी कर देते हो, कोई किसानों को, कोई अन्य आदमियों को आप इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा देते हो, तो एक तरीके से चुनाव आयोग जो लड़ता है विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ, और सीबी और ईडीआई, ये तीन जब मिल करके लड़ते हैं तो उसमें विपक्ष कमजोर पड़ जाता है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, आप बताओ, चुनाव आयोग के खिलाफ आम आदमी चिल्ला रहा है ना चुनाव आयोग के खिलाफ, कि आप चार दिन चुनाव रहता है आपको इनको घोषणा कर देते हो चुनाव आने वाला है, आपको जब उनका इंतजार करते हो कि जब तक प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा नहीं कर देंगे तब तक आचार संहिता नहीं लगेगी। तो चुनाव आयोग को लेकर के भी एक बड़ी वो है, चुनाव आयोग अगर इस तरीके की गतिविधियां भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को है, मुझे लगता है, मेरा अपना राजनीतिक जो ज्ञान है उसके आधार पर मैं ये बात कहूंगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने में विफल हो रहा है, विपक्ष के सवालों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा है, और ये जो होता है तिकड़ी, ये तिकड़ी मुझे लगता है कि विपक्ष को कमजोर कर देती है। अगर आज पूरा भारत ये मानता है कि टीएन सेशन जैसा चुनाव आयुक्त होना चाहिए था, तब पता चलता कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कैसे होता है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कैसे रोका जाता है। आज टीएन सेशन को पूरा देश इसलिए याद कर रहा है कि आज जो केचुआ है, केचुआ माने केंद्रीय चुनाव आयोग, उसका नाम आम जनता केचुआ बोलती है, केचुआ क्या होता है, बिना रीढ़ के होता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ हो गया है, उसे केचुआ वाली अपनी परिस्थिति से निकलना पड़ेगा, और पूरे भारत के पक्ष विपक्ष सबका उस चुनाव आयोग से ये बात साबित करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है, यही एक विपक्ष के लिए कमजोर कड़ी है। अगर जिस दिन चुनाव आयोग टीएन सेशन जैसा चुनाव करवा देगा, उस दिन मोदी
और विपक्ष दोनों को ये पता चल जाएगा चुनाव होता कैसा है। तो इसी के साथ हम ये पूरी बातचीत यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी थे, लखनऊ से जुड़े हुए थे। मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे TV11 भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।